तो ये कहानी है हाइकल नामी एक स्पाई की, जो किसी केस के सिलसिले में यरूशलेम आए हैं, जहाँ की चर्च में से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा ली गई थी और उसका इल्जाम भी प्रीस्ट पर लगाया जा रहा था। हाइकल अब चर्च में जाते हैं जहाँ चोरी हुई थी। यहाँ के सारी छानबीन करने के बाद वो अब लोगों के दरमियान में आते हैं, जहाँ वो इंस्पेक्टर खड़े थे जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए हाइकल को यरूशलेम बुलाया था। तीनों प्रीस्ट सब लोगों के सामने किसी मुजरिमों की तरह खड़े थे। तभी हाइकल आकर सभी लोगों को बताता है कि ये तीनों के तीनों प्रीस्ट बेगुनाह हैं, चोरी इन्होंने नहीं की, क्योंकि चोरी करने के बाद जो छत के रास्ते से भागा था और ऐसे उसके जूतों के निशान दीवार पर पड़ गए थे। ये जूते काफी मोटे सोल के हैं और इन तीनों प्रीस्ट में से कोई भी प्रीस्ट ऐसा जूता नहीं पहनता। अगर कोई ऐसा जूता पहनता है तो वो ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हाइकल की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने ही तो आपको ये केस सॉल्व करने के लिए यहाँ बुलाया, अगर मैंने चोरी की होती तो मैं ऐसा क्यों करता। जवाब में हाइकल कहते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, मैंने तुम्हारे ही कुछ लोगों को तुम्हारे ही घर तलाशी लेने के लिए भेजा है, बस इंतजार करो वो आते ही होंगे। उनकी बातों के दौरान वो तलाशी लेने वाला आदमी आ भी जाता है और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें इंस्पेक्टर के घर से वो कीमती चीज मिल भी गई थी। साफ जाहिर था कि इंस्पेक्टर चोर थे, ऐसे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ मौजूद सभी हाइकल की जहानत पे हैरान रह जाते हैं कि उसने चंद ही घंटों में बड़ी आसानी से ये केस सॉल्व कर दिया था। अपनी इसी जहानत की वजह से हाइकल आज तक हजारों केस सॉल्व कर चुका था और अब पूरी दुनिया का एक मशहूर जासूस था। वो यरूशलेम से निकलने वाला होता है कि यहाँ उसे अमेरिका से एक इनविटेशन मिलता है किसी खास केस को सॉल्व करने के लिए। हाइकल फिलहाल अपने काम से ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन ये केस भी जरूरी था। ऐसे में लंदन जाने के लिए वो एक ओरिएंट एक्सप्रेस नामी लग्जरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस पूरी ट्रेन के अंदर सिर्फ 12 कंपार्टमेंट्स हैं। ये बिजनेस क्लास ट्रेन है, इसीलिए सिर्फ 12 से 13 लोग ही इस ट्रेन के जरिए आज यरूशलेम से लंदन की तरफ जा रहे हैं। इसी ट्रेन के अंदर रिचर्ड नामी एक आदमी भी सफर कर रहा था। उसे उसके कंपार्टमेंट के बाथरूम से एक धमकी वाला नोट मिलता है जिसे पढ़कर वो डर चुका था। वो इस नोट को लेकर हाइकल के पास जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हाइकल बहुत ही होशियार स्पाई है। रिचर्ड हाइकल को ये नोट दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी जान खतरे में है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लो। अगर तुम मेरी हिफाजत करने को मान जाते हो तो मैं एक हफ्ते के $15,000 तुम्हें दूंगा, जो पुराने वक्तों में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी हाइकल रिचर्ड को इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि वो एक गैंगस्टर था। अब रात हो जाती है। हाइकल और रिचर्ड दोनों के ही कंपार्टमेंट्स साथ साथ थे। रात में हाइकल को रिचर्ड के कैबिन में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब बाहर जाकर चेक करते हैं तो रिचर्ड के कंपार्टमेंट के बाहर एक ट्रेन अटेंडेंट खड़ा था, जो रिचर्ड से पूछता है कि आप ठीक तो है ना। अंदर से ये आवाज आने पर कि हाँ सब ठीक है, ट्रेन अटेंडेंट और हाइकल दोनों ही अपनी जगह पर जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और हाइकल को दोबारा रिचर्ड के कमरे से कुछ शोर महसूस होता है। वो जल्दी से निकल कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे से कोई रेड गाउन पहनी लड़की बाहर की तरफ भाग रही थी, जिसे इग्नोर करते हुए हाइकल वापस अपने कमरे में आ चुके थे। इस ट्रेन के बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। देखते ही देखते ये बुरा तूफान इस ट्रेन को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके नतीजे में ट्रेन पटरी से उतर जाते हैं। हैरानी की बात थी, इतने बड़े एक्सीडेंट में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। जब ये लोग सुबह उठे तो इन्हें मालूम हुआ कि ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। सभी लोग ट्रेन के लॉन्च में मौजूद थे और जो यहाँ नहीं था वो सिर्फ रिचर्ड ही था। हाइकल देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे के बाहर वेटर काफी देर से उसका दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस ना आने पर हाइकल ये बात जान जाते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। मीनवाइल वो वेटर से एक डॉक्टर और ट्रेन के मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। दरवाजे के खुलने पर इन सब लोगों के होश उड़ चुके थे क्योंकि यहाँ ये लोग देख रहे थे कि रिचर्ड मर चुका था, उसका मर्डर किया गया था। कई मर्तबा उसके पेट में बुरी तरह चाकू से वार करके उसे मारा गया था। ट्रेन का मैनेजर तो काफी घबरा चुका था क्योंकि उसकी ट्रेन के अंदर ये मर्डर हुआ है। वो अब हाइकल से कहता है कि प्लीज किसी भी तरह करके आपको इस केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये हमारी कंपनी का सवाल है। हाइकल उसका केस लेने से साफ इनकार कर चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी एक क्रिमिनल है, लेकिन यहाँ ट्रेन का मैनेजर जो हाइकल का दोस्त था वो सिर्फ फोर्स कहता है कि किसी भी तरह अगले स्टेशन पे जाने से पहले पहले इस केस को सॉल्व कर दो। मैं भी चाहता कि हमारी कंपनी का नाम इस केस की वजह से खराब हो जाए। ना चाहते हुए भी हाइकल को ये केस लेना पड़ता है। केस सॉल्व करने के लिए वो जब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें बेहोशी की मेडिसिन मिलती है। पहली चीज तो वो ये पता चलाते हैं कि रिचर्ड को बेहोश करके मारा गया होगा, इसीलिए उन्होंने मरते वक्त ना तो शोर मचाया और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश की। यही हाइकल को एक रुमाल मिलता है जो काफी कीमती था और इसके ऊपर एच लिखा था। इसके अलावा भी
हरकुल को यहाँ काफी अजीबोगरीब सबूत मिलते हैं जिसे हरकुल फेक करार दे देता है और कहता है कि ये सारी चीजें यहाँ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई हैं। उसे जो एक सबूत सच्चा लग रहा था वो एक लोहे का जला हुआ टुकड़ा था जिसे जब वो लाल डैन के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज बाजिया हो जाता है जिसमें लिखा था As a strong blood is in your hand, you will die। यानी जो खून तुमने किया था उसके बदले तुम मरोगे। ये पढ़ने के बाद हरकुल ट्रेन मैनेजर से कहते हैं ये कोई इतना आसान केस नहीं, ये मर्डर एक खून का बदला है और केस बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर हरकुल ट्रेन मैनेजर को रिचर्ड के किए सबसे अफसोसनाक मर्डर की कहानी सुनाता है जो कि उसने एक डेसी आर्मस्ट्रांग नामी छोटी सी बच्ची का किया था। रिचर्ड ने उस बच्ची को उसके घर से किडनैप किया, उसके बदले उसके से बहुत से पैसे मांगे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। ये सदमा आर्मस्ट्रांग की वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी के दुख में मर गई। उनके साथ साथ उनका दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैनेजर हैरान थे कि हरकुल को इस केस के अंदर की स्टोरी भी कैसे पता थी। हरकुल जवाब में कहते हैं कि मुझे आर्मस्ट्रांग ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचता, अपनी फैमिली के मरने के गम में उन्होंने सुसाइड कर ली थी और ऐसे बहुत से लोगों ने अपने बहुत प्यारों को खो दिया। ये लोग अब ट्रेन के अंदर वापस चले जाते हैं जहां पर हॉवर्ड नामी एक पैसेंजर हरकुल को बताते हैं कि रात किलर उसके भी रूम में आया था। उसने किलर के आने के बारे में ट्रेन अटेंडेंट को भी बताया, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट ने उसकी बात पे कोई यकीन नहीं किया। वो यहाँ हरकुल को एक बटन देती है जो शायद उस किलर का ही था। हरकुल बटन को देखकर पहचान जाता है कि ये बटन किसी ट्रेन अटेंडेंट का है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सिर्फ एक ही ट्रेन अटेंडेंट था और उसका यूनिफॉर्म देखने पर उसकी शर्ट में सारे बटन थे, यानी वो तो किलर नहीं हो सकता था। इसके बाद हरकुल इस ट्रेन के सभी पैसेंजर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और पहुंचता है प्रिंसेस के अपार्टमेंट में। वो प्रिंसेस से सवाल करता है कि क्या आप किसी आर्मस्ट्रांग नामी फैमिली को जानती थी। प्रिंसेस बताती है हाँ मैं जानती थी, मैं डेजी आर्मस्ट्रांग की गॉड मदर थी, यानी उसे रिलीजन के बारे में पढ़ाती थी और डेजी आर्मस्ट्रांग वही बच्ची थी जिसका रिचर्ड ने मर्डर किया था। प्रिंसेस पूछती है कि आर्मस्ट्रांग फैमिली का इस केस से क्या ताल्लुक। हरकुल जवाब में बताते हैं कि जिस आदमी का रात मर्डर हुआ है वही आर्मस्ट्रांग फैमिली की मौत का जिम्मेदार था। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि शुक्र है वो आदमी मर गया, मैं उससे नफरत करती हूँ। उनकी इस हरकत से हरकुल को प्रिंसेस पे शक होता है कि कहीं उन्होंने ही तो रिचर्ड को नहीं मरवाया। वो यहाँ उनके सामने एक रुमाल रखते हैं जो उन्हें रिचर्ड के पास से मिला था और उसकी गवर्नेस से कहते हैं क्या ये तुम्हारा है। गवर्नेस कहती है नहीं ये तो बहुत महंगा है और मैं इतना महंगा रुमाल अपने पास नहीं रख सकती। हरकुल को ये रुमाल गवर्नेस का इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका नाम भी एच से शुरू होता था और एच ही इस रुमाल पे लिखा था। खैर इन्वेस्टिगेशन करते करते हरकुल इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मर्डर जिसने भी किया था उसने अटेंडेंट के कपड़े पहन के किया था, हो ना हो उन्होंने वो कपड़े अपने सामान में छुपाए थे, इसीलिए वो सभी पैसेंजर्स का सामान चेक करते हैं। हैरान कुन तौर पे उन्हें किसी के पास कुछ नहीं मिलता बल्कि अपने ही सामान में से वो रेड गाउन मिल जाता है जिसे पहनकर उन्होंने रात में एक लड़की को रिचर्ड के कमरे से भागते देखा था। ये देख हरकुल हंसते लग जाते हैं और कहते हैं कि किलर जो कोई भी है बहुत ही चलाक है, वो बड़ी ही चलाकी से इस मर्डर को एक हादसा बनाने के साथ साथ मेरा भी मजाक बना रहा है। इसके बाद के लोग प्रिंसेस की गवर्नेंस का सामान चेक करते हैं और इसमें से उन्हें अटेंडेंट का यूनिफॉर्म मिल जाता है। मसी की बात की थी कि इस कोट के ऊपर बटन भी नहीं था, शक तो अब गवर्नेंस पे ही जा रहा था, लेकिन हरकुल कहते हैं नहीं गवर्नेंस ने ये मर्डर नहीं किया क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो ये कोट कभी भी अपने सामान में न छुपाती। ये लोग अब कोट को स्मेल करते हैं और इन्हें कोट में से अल्कोहल की स्मेल आती है। अब ट्रेन मैनेजर को ये बात पता थी कि इस ट्रेन के अंदर अल्कोहल से रिचर्ड के अकाउंटेंट ने ली थी। ये लोग उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास जाते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर वो अकाउंटेंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुल उसे पकड़ लेते हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अकाउंटेंट उन्हें बताता है कि मैंने रिचर्ड का कत्ल नहीं किया। देखो मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ईमानदार इंसान नहीं हूँ, मैं उसके पैसे चुराता था, लेकिन खुद ही सोचो मैं उस इंसान को क्यों मारूंगा जो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा काम करता था, यानी मुझे उसके पैसों का बहुत फायदा था। उसके बाद में पॉइंट तो था, हरकुल अब परेशान हो जाता है, वो जिसके ऊपर भी शक करता है आखिर में वो बेकसूर निकलता है। इसके बाद हरकुल अब डॉक्टर के पास आते हैं जो भी इस ट्रेन के जरिए लंदन जा रहे थे। वो डॉक्टर से कहते हैं कि इस पूरी ट्रेन के अंदर आप ही हैं जो सिगार पीते हैं और ये सिगार क्लीनर मुझे रिचर्ड के रूम से मिला है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को बचाने का काम करता हूँ, मारने का नहीं। इसके बाद हरकुल डॉक्टर से पूछते हैं कि मैंने आप जैसे लोगों को इस टाइम में बहुत कम डॉक्टर बने देखा है, क्या आप बहुत स्पेशल हैं? ये वो टाइम था जब अफ्रीकन को ज्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, अंग्रेज उन्हें अपने से छोटा और कमतर मानते थे। और इस बारे में डॉक्टर बताते हैं कि मैं आर्मी में शार्प शूटर था, मैंने बहुत से ऑफिसर्स की जान बचाई और उन्होंने इसके इनाम में मेरी स्टडी कम्प्लीट करवाने में मेरी मदद की। अब हरकुल उससे सवाल कहता है अगर तुम आर्मी में थे तो क्या तुम कर्नल आर्मस्ट्रांग को जानते थे, लेकिन डॉक्टर ऐसे किसी भी इंसान को जानने से मना कर देता है। यहाँ हरकुल दोबारा रिचर्ड के अकाउंटेंट के पास आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम
कर्नल आर्मस्ट्रांग या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी जानते हो, जिसके जवाब में ये अकाउंटेंट बताता है हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए आपके लिए नया वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं चाहता हूँ, कर्नल आर्मस्ट्रांग मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब मरे तो उनका केस मेरे डैड ने लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी को भी मुजरिम नहीं ठहरा पाए। इस केस को सॉल्व करने का उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। ऐसे में उन्होंने आर्मस्ट्रांग की पूरी फैमिली के मर्डर का इल्जाम उनकी काम करने वाली लेडी पे लगा दिया, जिस लेडी ने इस झूठी इल्जाम के सदमे में सुसाइड कर ली। जब तक पता चला कि इन सभी मर्डर्स के पीछे रिचर्ड था, वो लड़की मर चुकी थी और इस रिग्रेट में मेरे डैड ने सुसाइड कर ली। ये स्टोरी सुनाते ही अकाउंटेंट तो फंस चुका था। हर कुल कड़ी से कड़ी मिलाते हुए फौरन ही उसे मुजरिम साबित कर देते हैं और कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि तुमने ही मर्डर किया है, उस कोर्ट में से तुम्हारी अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तुम अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पहले रिचर्ड के अकाउंटेंट बने, तुमने उसका पैसा खाया, उसे कंगाल कर दिया और फिर उसे मार डाला। अभी वो यही बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें ट्रेन में किसी के चीखने की आवाज आती है। ये हॉवर्ड की आवाज थी, जिसके रूम में पहले भी किलर आया था। वहाँ जाकर सब देखते हैं कि हॉवर्ड के कंधे पे किसी ने चाकू मारा था। डॉक्टर उसके कंधे से चाकू निकाल देते हैं। इस वाक्य से हर कोई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था अकाउंटेंट किलर है, लेकिन किलर अकाउंटेंट नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने हॉवर्ड पे भी अभी हमला किया है। ये इंसान कौन है, हरकुल को इसका पता चलाना था। यानी जहां हरकुल को लग रहा था कि केस पूरा सॉल्व हो गया, अब वही केस दोबारा से पूरी तरह उलझ के रह गया था। खैर, अब हरकुल एक और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में वो सारे लोगों से तफ्तीश करना शुरू करता है और एक ऐसे कपल के रूप में आता है जिसमें से लड़की ने अपने पासपोर्ट पे से अपने नाम के साथ छेड़छाड़ की थी। हरकुल पहचान लेता है कि यहाँ पे उसके नाम के आगे एच लिखा हुआ था, यानी उसका नाम हेलीना था और उसने एच हटाकर अलीना कर दिया। हरकुल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में वो लड़की कहती है, क्योंकि तुम्हें एक रुमाल मिला था जिसपे एच लिखा था। मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे शक के दायरे में आए, इसलिए हमने पासपोर्ट से एच मिटा दिया। उसकी हरकत से हरकुल को शक हो चुका था कि शायद यही कपल मर्डर में और हॉवर्ड पर हमला करने में मुलव्वस है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हरकुल को यह भी पता चल जाता है कि डेसी आर्मस्ट्रांग हेलीना की सिस्टर की बेटी थी। शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि शायद अपनी बहन और उसकी फैमिली के मरने का बदला वो रिचर्ड से उसे मार के लेना चाह रही हो। अब इन्वेस्टिगेशन हरकुल स्टार्ट करते हैं और एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जो डेसी आर्मस्ट्रांग की नर्स थी और उस दिन उनकी लापरवाही की वजह से रिचर्ड डेसी आर्मस्ट्रांग को किडनैप कर पाया था। हरकुल उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपने इसी चीज का बदला लेने के लिए रिचर्ड को मार डाला। अभी वो यही बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से कोई उनके ऊपर गोली चला देता है जो उनके कंधे को छू के चली जाती है। ये गोली चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर थे, जो हरकुल से कहते हैं बस बंद करो ये सारी इन्वेस्टिगेशन, मैंने ही मारा है उसको, क्योंकि रिचर्ड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त कर्नल आर्मस्ट्रांग को मार दिया, जिसने उस वक्त में मेरा साथ दिया था जब कोई हमें पसंद नहीं करता था। रिचर्ड जैसे बेरहम आदमी ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला और इसी गुस्से में मैंने उसका मर्डर किया। अभी वो लोग यही बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें ट्रेन में एक झटका महसूस होता है। पता चलता है कि जो ट्रेन तूफान की वजह से पटरी से उतर चुकी थी, वो वापस पटरी पे आ गई है और आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन अब ट्रेन के चलने से पहले सभी पैसेंजर्स की हरकुल मीटिंग रखता है। वो इन सबसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी किलर नहीं है। डॉक्टर जो इस मर्डर को कन्फेस भी कर रही है वो भी किलर नहीं है, लेकिन मर्डर की मिस्ट्री खुल भी नहीं रही और मुझे तो इस मर्डर के पीछे सिर्फ दो ही कहानियां समझ आ रही हैं। एक ये कि कोई किलर अटेंडेंट के कपड़ों में रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेस हॉवर्ड के कैबिन की विंडो से भाग गया, क्योंकि उसका बटन मिसेस हॉवर्ड के कंपार्टमेंट से मिला था। और अगर मैं दूसरी कहानी तक जाऊं तो मुझे खुद भी उस कहानी पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आप में से कोई मुझे किलर नहीं लगता, लेकिन मेरा सारा शक और सारे सबूत आप सभी लोगों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये मर्डर आप सब लोगों ने मिलकर किया है और आप सभी के पास ऐसा करने की कोई ना कोई रीजन भी मौजूद है। जैसे कि डॉक्टर जो कर्नल आर्मस्ट्रांग की वजह से ही डॉक्टर बने, उनकी लाइफ अच्छी हुई और वो तो मान भी रही है कि उन्होंने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उनका मर्डर किया, लेकिन किलर मुझे ये भी नहीं लगते। दूसरे नंबर पे आर्मस्ट्रांग की बेटी की नर्स, जिन्होंने उस रात नशे में धुत होने की वजह से लापरवाही की और इसी वजह से डेजी आर्मस्ट्रांग का रिचर्ड किडनैप कर पाया। अपने इसी रिचर्ड का बदला लेने के लिए वो रिचर्ड को मार सकती थी। तीसरे नंबर पे हेलीना, जिसकी बहन और बेटी रिचर्ड की वजह से मिली। चौथे नंबर पे प्रिंसेस, जो डेजी आर्मस्ट्रांग की गॉड मदर थी, उसे रिलियन पढ़ाती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर मिसेस हॉवर्ड, जिनके कंधे पे भी किलर ने हमला किया था, वो तो डेजी आर्मस्ट्रांग की ग्रैंड मॉम थी। हरकुल की ये सारी बातें सुनकर ट्रेन मैनेजर गुस्से में आ जाता है और कहता है
कि अगर यही किलर है तो इनके ऊपर हमला किसने किया था। जवाब में हरकुल कहता है तुम अभी समझे नहीं, ये सब के सब लोग मिले हुए हैं। देखो उस अकाउंटेंट को, इसे अपने बाप का बदला चाहिए था। वो आदमी और ट्रेन का अटेंडेंट, ये दोनों उस लड़की की फैमिली से है जिसके ऊपर आर्मस्ट्रांग की फैमिली के मर्डर का इल्जाम आ गया था, और वो अपनी बहन के मरने का बदला लेना चाहते हैं। और ये पुलिस ऑफिसर और उनके साथ बैठा हुआ आदमी कर्नल आर्मस्ट्रांग, इन दोनों के भी बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के दिलवाए बैंक लोन की वजह से इन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस शुरू किए। आर्मस्ट्रांग के मरने का असर इन सब की जिंदगियों पे हुआ था और इन सब ने मिलकर रिचर्ड का कत्ल किया। उसकी बात सुनते ही अब यहाँ पर मिसेस हॉवर्ड खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है हाँ हम सब ने मिलकर ही किया है, लेकिन इसमें सबका कसूर नहीं, सिर्फ मेरा कसूर है, ये सारी प्लानिंग मेरी थी। वो कहती हैं कि कई सालों से मैं ये प्लान बनाती आ रही हूँ, मैंने ही अपने प्लान के तहत अकाउंटेंट को रिचर्ड के पास जॉब करने के लिए भेजा ताकि वो एक दिन हमारे साथ सफर करने पे मजबूर हो जाए, जहाँ हम उसे मार दें। हमने ही इस अटेंडेंट की ड्यूटी अपनी ट्रेन में लगवाई, हमारी हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग हुई और ऐसे हमने रिचर्ड को मार दिया। आपका इस मर्डर से ध्यान हटाने के लिए हमने सबूतों को इधर उधर फैलाया, मैंने अपने आप को चाकू भी मरवाया, वो चाकू डॉक्टर ने मारा था और ऐसी जगह मारा था जहाँ से मुझे ज्यादा चोट न लगे, और ये चाकू इसलिए मारा गया था ताकि आपको लगे एक किलर मर्डर करके यहाँ से भाग गया है, पर आप तो इस मर्डर के पीछे ही पड़े रहे। हरकुल उन सभी की बातें सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जानता था कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसको मारकर इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया था। हरकुल अब टेबल के ऊपर अपनी गन रखते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे अगर किसी ने इस मर्डर के बारे में पूछा तो मुझे सच बताना पड़ेगा, और इससे अच्छा यही है कि तुम लोग मुझे यही मार दो। सभी दुखी थे। डेज़ी आर्मस्ट्रांग की ग्रैंड मदर जल्दी से वो गन उठा लेती है। हरकुल आगे की तरफ जा रहा था, वो हरकुल की तरफ गन तानती है लेकिन उनसे हरकुल को मारा नहीं जाता, और अब वो उस गन को अपनी गर्दन पे रखकर शूट कर देती है, लेकिन पता चलता है कि उसके अंदर तो बुलेट्स ही नहीं थी जो हरकुल पहले ही निकाल चुका था। वो तो बस इन लोगों को टेस्ट कर रहा था कि क्या इन लोगों के अंदर इतना हौसला है कि ये किसी को मार सकते हैं। ये सब के सब उसके टेस्ट में पास हो गए थे, ये सब मासूम थे, इन्होंने बस अपना बदला लिया था। इसीलिए अब हरकुल इन सब को बचाने का फैसला करते हैं। सफर दोबारा शुरू हो जाता है। वो इन सब से कहते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया ठीक किया, मैं अगले स्टेशन पे उतरकर पुलिस को यही बताऊंगा कि कोई अनजान आदमी अटेंडेंट के कपड़ों में रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेस हॉवर्ड के कैबिन के विंडो से भाग गया। इस वक्त हम सबकी आंखों में हरकुल के लिए इज्जत देख रहे थे। सभी हरकुल की जहानत से भी इम्प्रेस थे कि उन्होंने इतने मुश्किल मर्डर की मिस्ट्री भी चंद दिनों में ही सॉल्व कर दी थी। हरकुल अब सबको बाय कहकर अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें इस मर्डर की तफसीलात पुलिस को देनी थी और इस केस को यही खत्म करना था, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।